हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वह श्री रामधूत स्तोत्रम, जो हनुमान मूवी से है। देख लेते हैं पहले, जय बजरंग बली, फिर बात करेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। ओके, लेट्स गो। भाई साहब, क्या हिट किया है। दिस इज कॉल वर्क भाई, क्या हिट किया। बस जंगबली बैठा है ऊपर से, प्रभु नाम। उफ भाई, ऊपर वो सन है क्या? सन या चंद्रमा, दोनों में से कोई होगा। बजरंगबली की पावर समझो तुम भाई, पावर समझो। क्या ही है, काश मैं सत्ययुग में पैदा हुआ होता तो देख पाता बजरंगबली की वो पावर। भाई क्या पावरफुल है बजरंगबली, मेरे दिल में बसते है, दिल में। लेकिन पापी हूं तो छाती चीरूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को इस ये पूरा जो स्तोत्रम है, जो रामदूत स्तोत्रम है, इसका जो मीनिंग है वो पता है तो बोल देना। ये संस्कृत है ना, तो मुझे संस्कृत नहीं आता। खड़े तुम कह सकते हो वो वड़ा है, वो पावर का वड़ा है। मैं तुम्हें एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, फिर देखते हैं। अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो तुम स्किप कर सकते हो। जब मैं मिशन में था, मैं बंगाल से हूँ, तो मैं हॉस्टल पे रहता था। और जब मैं वहाँ पे था, तो जब फुटबॉल मैच होता था, जब मुझे बोलते थे कि खेलना है भाई, तो मैं बोलता था जब क्यों नहीं खेलना है, क्यों। बंगाल में फुटबॉल का बहुत क्रेज है, तो मैं खेलता था फुटबॉल। और जब मैं खेलने जाता था ना पहले, तो मैं बजरंगबली के मतलब वो कहते ना, वो प्रेयर करके फिर हनुमान चालीसा पढ़ के एकदम फुल ऑन फोकस में जाता था। और जब मैं गेम मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, तब मुझे पता चलता था, लिटरली पता चलता था कि मुझे कहीं पे कट गया है, कहीं पे छिल गया है, दो चार जगह पे वो होता है ना कि पत्थर घुस गया, ये सब हो। मतलब पेन थोड़ा बहुत मालूम तो होता था, लेकिन होता है ना कि प्योर फील हो रहा है, वाह कर रहा हूँ, वो सब नहीं होता था। क्योंकि पता है जो एड्रेनलिन रश होता है ना अंदर, वो फुल ऑन गॉड लेवल पे चला जाता था। मतलब मेरा ऐसा सीन था। तो मैं छोटे से, बहुत बहुत छोटा था, तब मैं क्लास फोर से मैंने बजरंगबली की शरण में आ गया। तो अभी भी हुई वहां पे जय बजरंग।
भाई 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 अभी समझ में आया ये कहाँ का सीन है। मैं वही सोच रहा हूँ कृष्णा कहाँ से, अभी बात समझ में आया ये महाभारत का है भाई। अर्जुन की जो ये था ना चैरियट पे, अरे क्या चैरियट क्या इंग्लिश क्या बोल रहा हूँ, रथ पे, रथ ही होता है बंगाली में तो रथ बोलते हैं, तो रथ पे जो ऊपर था बजरंग बली, उफ भाई क्या पिकअप हुआ है, क्या सीन है भाई, मेरे को कुछ फोड़ने का। जब भी बजरंग बली का नाम आए ना भाई, मेरा कुछ अलग ही होता है, मेरा दिल मतलब वो कुछ अलग ही होता है। दो तीन चीज है जिसपे मैं पूरा अपना जान झोंक सकता हूँ, एक है अपना देश, एक है बजरंग बली, और तीसरा है मेरा माँ, बस तीनों मेरे सेम है, सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे मैं प्यार करता हूँ तीनों को। कुछ और है नहीं, कुछ और नहीं है भाई, तुम ये सीन देखो जो बजरंगबली का था, उफ ये जो रोड है ना भाई, बजरंगबली को पावर है, बजरंगबली स्वीट है, बजरंगबली प्यारा है, बजरंगबली भोला है, बजरंगबली पावरफुल है, बजरंगबली रेज है, बजरंगबली प्यार है, सब कुछ है, बजरंगबली के सिवा मेरा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। जो किया गया, जो एनिमेशन है, जो काम किया गया है ना भाई, सॉलिड है, और जो म्यूजिक है वो फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, वो जो पावर, तुम बजरंगबली जब नाम लो ना, तुम वो जो पावर है वो फील कर सकते हो, और वो फील को इस सॉन्ग ने और इंटू 10 इंटू 20 इंटू 100 कर दिया, मतलब फुल एंड पावरफुल है। तुम कह सकते हो कि इस सॉन्ग में तुम्हें मतलब बस शुरू से एंड तक एक गुजबम्स का जो लेवल होता है ना, वो टक 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 वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है कुछ है, क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर है बजरंगबली के नाम पे, सब कुछ बेहतर है, मैंने तो सैल्यूट भी मार दिया। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।